वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेके आ चुके हैं करिश्मा XMR और इनका राइड रिव्यू आज हम करने वाले हैं। हम लेके जाने वाले हैं आज इसका येलो कलर भाई, क्योंकि येलो कलर अपना आइकॉनिक कलर है। दिस राइड योर लेजेंड। तो चल तो आज हम पहुंच चुके हैं हीरो शोरूम काशीपुर मेहरोत्रा हीरो एंटरप्राइजेस पे। एंड आज हम करने वाले हैं अपनी इन XMR करिश्मा XMR का राइड रिव्यू। एंड आप इससे पहले देख चुके हो एक जो मैंने इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन की वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेके आ चुके हैं करिश्मा XMR और इनका राइड रिव्यू आज हम करने वाले हैं। तो चलिए निकालते हैं बाइक शोरूम से और मिलते हैं आपसे रोड पे। तो गाइस ये खड़ी अपनी करिश्मा XMR एंड हम आ चुके हैं अपने मोटरबाइक सेटअप पे। एंड चलिए शुरू करते हैं। फिर हम लेके जाने वाले हैं आज इसका येलो कलर भाई, क्योंकि येलो कलर अपना आइकॉनिक कलर है। रेड कलर भी देखो अपने पास, RR इतनी रेड कलर चला चुके हैं हम कि अब RR से हम रेड से थोड़ा सा हो चुके हैं। तो येलो कलर लेके जाने वाले हैं जो कि अपना आइकॉनिक कलर है। तो करिश्मा के लिए एक बहुत आइकॉनिक कलर है। बाकी चलते हैं, शुरू करते हैं इस बाइक का राइड रिव्यू एंड बताएंगे भाई क्या फील हुआ इस बाइक को चला के एंड कैसी है ये बाइक। चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं भाई बैठ चुके हैं हम इस पर एंड ये कर दिया हमने इसकी की ऑन। एंड चेक दिस राइड योर लेजेंड। एंड देख सकते हैं भाई मीटर कंसोल आ चुका है इसका, कितना बढ़िया लग रहा है। ये LCD पैनल है, TFT डिस्प्ले नहीं मिलता है इसमें, LCD पैनल है, लेकिन जो भी है मतलब अच्छा लग रहा है। तो ये करते हैं हम इसका सेल्फ स्टार्ट। तो चल एंड भाई ये देख सकते हैं आप, ये हो चुकी है स्टार्ट। तो चलो निकालते हैं शोरूम से बिना देरी करते हैं, फिर बात करेंगे आपसे आगे रोड पे। सो आई एम राइडिंग हीरो करिश्मा XMR जेन 4। ऑब्वियसली भाई ये 4th जेन है उसका और इस टाइम मैं इसे राइड कर रहा हूँ। अभी हम शोरूम से निकल चुके हैं एंड अभी हम राइड कर रहे हैं सिटी में। चलेंगे थोड़ा सा आगे हाईवे पे भी और टेस्ट करेंगे इसकी सब चीज़ें और बताएंगे भाई कैसा फील हो रहा है, कैसी पावर फील हो रही है इसमें हमें। तो अभी तक तो देखो ये सेकेंड थर्ड गियर पर ही चल रही है। बाकी वाओ यार, मतलब हीरो की बाइक में कुछ ऐसा सा फील हो रहा है ना, जैसे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक जैसा फीलिंग आ रही है। स्पोर्ट्स बाइक ही है वैलिए, लेकिन हीरो की बाइक में आज तक मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ है जो इस बाइक में फील आ रहा भाई। ये आइकॉनिक करिश्मा है। तो चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा टेस्ट करते हैं इसको और फिर बताएंगे आपको इसके बारे में सब कुछ। तो यार हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे एंड अभी तक मैं इसको सिटी में राइड कर रहा था, हमने इसे रश में राइड करा, हमने इसे ट्रैफिक में राइड करा। तो उसमें राइड करके यार हमें जो समझ में आया यार ये बाइक ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। एक तो मतलब आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बाकी ऊपर से जो क्लिप ऑन्स हैं ना इसके ये भी बहुत ही हल्के लगे हुए हैं। हल्के मतलब मैं इनके क्वालिटी पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, हल्के मतलब ये बहुत लाइट वेट लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छे फील हो रहे हैं क्लिप ऑन्स। मतलब प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक का फील दे रही है ये बाइक। और भाई अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा आगे से रोड्स खाली मिलेंगे, हम इसे थोड़ा भगा के भी देखेंगे कि भाई कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है और कैसा इसका इंजन हमें 210 cc का जो इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है वो हमें कैसा पावर और कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अभी तक तो हमें काफ़ी अच्छा फील हुआ। ऊपर से साउंड जो इसकी आ रही है, आई डोंट नो आपको समझ में आ रही होगी या नहीं, बट साउंड इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, एग्जॉस्ट साउंड इसकी बहुत अच्छी है। बाकी भाई मज़ा आ रहा है चलाने में। और मैं बता देता हूँ भाई इसकी सीटिंग पोजीशन एंड बैठने का तरीका, जैसे मेरी हाइट 6'4" है उसके हिसाब से भाई इस बाइक में ना बैठने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि यार एक अच्छी बाइक चला रहा हूँ, ऐसा फील नहीं हो रहा कि कोई छोटी बाइक चला रहा हूँ या मेरे को ऐसे बैठ के बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं इस पर अनकम्फर्टेबल हूँ। मेरी 6'4" हाइट है यार, मैं तब भी इतना कम्फर्टेबली इस पर बैठा हुआ हूँ ना। तो भाई हीरो ने ना कुछ कमाल का काम कर दिया है इस बाइक के साथ। एक तो आइकॉनिक करिश्मा है ये हमारी भाई, लेजेंड करिश्मा, जो सबसे पहले करिश्मा आई थी, उसके बाद करिश्मा के 2 मॉडल और आए, करिश्मा R और करिश्मा XMR। XMR इतना सफल नहीं रह पाई, लेकिन अब जो इन्होंने ये निकाली है भाई XMR, तो भाई ये बाइक कुछ निकाली है इन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं इसमें। एक बिल्कुल नया तरीके का इन्होंने निकाला है, बिल्कुल नई जनरेशन में ये बाइक निकाली है। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तो चलते हैं और देखते हैं इसकी पावर टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं भाई 5th गियर पर मैं चल रहा हूँ, 6 गियर का इसमें गियर बॉक्स दिया हुआ है और अभी हम चला रहे हैं इसे, ये हम डाल चुके हैं 6th गियर और भाई बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है एकदम से। एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है इसका
और एक्सलेशन जैसे जैसे बढ़ता है उस हिसाब से ना इसमें साउंड बहुत अच्छी फील हो रही है, पीछे से एग्जॉस्ट साउंड आ रही है वो बहुत अच्छी फील हो रही है। और ये देख सकते हैं भाई टर्निंग पे कर्व्स पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि भाई बैलेंस में दिक्कत है या बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग भी मिल रही है हमें इस बाइक की, तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ब्रेकिंग भी अच्छी लग रही है, देखो ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी दे दी है। डुअल डिस्क चैनल दिए हुए हैं इसमें, डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें, तो भाई उसके हिसाब से ना बहुत ही बेहतरीन ये बाइक फील हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम इसे आराम से छठे गियर पे क्रूज कर रहे हैं, 90 के अराउंड हम चल रहे हैं इसको, और बहुत ही बढ़िया ये मुझे परफॉर्मेंस दे रही है, पावर दे रही है। 210 सीसी का इसका जो इंजन है ना बिल्कुल बहुत अच्छा हीरो ने उस पर काम करा हुआ है। और ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं आप आगे इसकी, तो भाई ये डिस्प्ले है इसकी, ये LCD पैनल डिस्प्ले है भाई, ये TFT डिस्प्ले नहीं मिलती है, कलर्स नहीं मिलते हैं इसमें, लेकिन LCD पैनल आपको मिलता है। ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये भाई ये जो है ये इसमें अंदर से ये एक मार्किंग है रेड कलर की। बाकी आप देख सकते हैं भाई इसमें स्टैंड का दे रखा है, इंजन का दे रखा है सब। और ये देखो भाई ये यहाँ पे ये USB चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, तो भाई ये कितना सही दे रखा है यहाँ पे उन्होंने USB चार्जिंग पोर्ट। बाकी चलो यार थोड़ी और इसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करी जाए। और भाई बहुत ही अच्छी पावर मिल रही है, 210 सीसी के हिसाब से ना बहुत अच्छी पावर ये जनरेट कर रहा है। लेकिन यार एक चीज़ मेरे को अभी फील हुई है जो कि मैं इसके कॉन में कहना चाहूँगा, यार थोड़ी सी मुझे हल्की हल्की वाइब्रेशन फील हुई है इस बाइक में। बाकी जैसे ही हम 100 से ऊपर गए तो थोड़ी सी पावर लैकिंग भी दिखी मेरे को इसमें। ये देखो ये मेरा पर्सनल है तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली जो बाइक्स मैं राइड करता हूँ उसके हिसाब से ये थोड़ी सी पावर इसमें डाउन है, उसके हिसाब से मेरे को ऐसा हल्की सी इसमें पावर लैक फील हुई 100 के ऊपर जाके। बाकी 90-100 तक इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अभी तक। थोड़ा गियर रेशो मेरे को छोटा लगा इस बाइक का, जैसे थर्ड गियर पे हैं हम, तो अगर हम 30-40 जा रहे हैं तो हमें गियर चेंज करने की ज़रूरत लगती है क्योंकि ये वाइब्रेशन शुरू कर देती है बाइक। और बाकी ये देख सकते हैं जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, ऑफ रोड कर रहा हूँ फिलहाल मैं प्रॉपर इस पर, तो परफॉर्म ऑफ रोड के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा कर रही है ये बाइक। ये देख सकते हैं अभी मैं ऑफ रोड पर भी ऐसे 60 चल रहा हूँ, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस बाइक की अभी तक। अभी फिलहाल हम थोड़ी इससे हाई स्पीड कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी स्पीड टेस्ट करते हैं बाइक की। ये देख सकते हैं भाई फिफ्थ गियर में 100, बहुत बढ़िया भाई। और ये देख सकते हैं भाई कर्व्स कितने बढ़िया निकल रहे हैं इस बाइक से। तो यहाँ मैं डाल चुका हूँ 6th गियर एंड ये देख सकते हैं भाई क्या बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब मेरे को थोड़ी वाइब्रेशंस कम फील हो रही है क्योंकि रोड अच्छी आ चुकी है, बढ़िया हम इसको राइड कर रहे हैं भाई। 210 सीसी के हिसाब से ये बाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा मतलब पावर दे रही है और बहुत बढ़िया एकदम से इसने अभी तक मेरे को परफॉर्म किया है। मैं इसे ऐसे 15-16 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ अराउंड, मैं वापस शोरूम जा रहा हूँ अभी, एंड भाई बहुत ही अच्छा इसने मेरे को अभी तक वो दिया है, कहीं भी मेरे को किसी भी चीज़ में डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है, पावर बहुत अच्छी दे रही है। तो यार अगर आप एक बजट सेगमेंट में एक स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस बाइक, यार दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी बाइक और बहुत अच्छी इसमें पावर एंड सब कुछ मिल रहा है आपको, हर चीज़ देगी यार ये बाइक आपको इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में। बहुत बढ़िया बाइक लगी यार मेरे को ये। तो यार कैसा लगा आपको ये राइड, अभी हम इसे राइड करके आए हैं अराउंड 10-12 किलोमीटर हमने इसे राइड करा है और यार क्या बेहतरीन बाइक है ये। इसमें जो यार इसका इंजन है अपना 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है इसमें, और जो पावर जनरेट करता है 25.5 PS की पावर जनरेट करता है, और टॉक की बात कर लेना 20.4 NM का ये टॉक जनरेट करता है। और भाई मैंने अभी इसे सिटी में चलाया, मैंने इसे अभी हाईवे पे चलाया, मैंने अभी इसे ऑफ रोड भी चलाया और भाई मज़ा आ गया लिटरली। मतलब वेट के हिसाब से वेट टू पावर रेशो काफ़ी अच्छा है इसका, जैसे कि हमें वेट मिलता है अराउंड 167 ग्राम का वेट है समथिंग। एंड जो बात कर लें अब इसके इंजन के, मैंने आपको बताया 210 सीसी का इंजन के साथ 6 गियर बॉक्स मिलते हैं, और जैसे कि आप मैंने आप देख ही चुके हैं यार सारा कि किस तरीके से राइड हो रही थी, किस तरीके से कंफर्ट था, मेरे पीछे पिलियन बैठा था उसको भी बहुत कंफर्ट मिला इसमें। तो यार राइड में मज़ा आ गया, बहुत अच्छी हीरो ने ये बाइक निकाली है। बात कर लें यार इसके शोरूम प्राइस का, एक्स शोरूम प्राइस का, तो यार 1.80 लाख की ये एक्स शोरूम पड़ती है, बाकी अलग अलग जगह के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, एक्स शोरूम तो इसका 1.80 है। तो भाई हीरो वालों ने कुछ बढ़िया चीज़ करी है। ये देख सकते हैं भाई हमारे पास है यहाँ पे ये द लेजेंडरी येलो कलर अपनी XMR का, और क्या बेहतरीन ये येलो कलर अपना लग रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया। कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बाकी एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ इसका, तो एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना दीजिए इधर आके, एक बार इसका मैं करता हूँ इसे स्टार्ट। और ये देख सकते हैं स्टार्ट बटन कितना बढ़िया है इसका, तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो भाई ये देख सकते हैं आप इसका एग्जॉस्ट नोट,
कैसा लगा आपको एग्जॉस्ट नोट कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। बाकी यार ये इसका एक छोटा सा राइड रिव्यू था यार कि ये कैसी है चलने में, कैसा इसको मेरे को परफॉर्मेंस लगा। तो मैं बात कर लूँ परफॉर्मेंस के बारे में, तो यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा। हीरो की तरफ से ये बाइक आई है तो भाई हीरो ने बहुत अच्छा ये करिश्मा को इस बार नए अपने जो उसमें निकाला है ना, बहुत अच्छा निकाला है। तो मेरे को बाइक बहुत पसंद आई है, आपको मैंने पावर फिगर्स बता दिए हैं, आपने मेरा राइड रिव्यू भी देख लिया है कि कैसी लगी। तो कमेंट करके जरूर बताइए यार कैसी लगी आपको ये बाइक, क्या आप इसे कंसिडर करेंगे लेने के लिए या नहीं करेंगे, क्या इसकी अच्छी बात लगी क्या इसकी बुरी बातें लगी, तो भाई देख लीजिए। और फुल स्पेसिफिकेशन वीडियो देखनी है आपको तो वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो चैनल जाकर कर लीजिए सब्सक्राइब और भाई बेल बटन बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि वहीं पे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।